बिस्मिल्लाम असल स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद फौद मलिक आज हमने चैप्टर नंबर एट के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर नंबर से क्वेश्चन तक कर लिया था दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में कहता है हाउ बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने बीट्स का फिनोमन यूज करते हुए ये बताना है कि ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स बीट्स के आर्टिकल में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी दो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होती है वो दोनों वेव सेम डायरेक्शन में एक दूसरे से मिलती हैं तो कभी हमें ऊंची आवाज सुनाई देती है कभी हमें मदम आवाज सुनाई देती है तो इस फिनोमिनन को हमने यूज करना है अब फर्ज कर लें कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या जिस इंस्ट्रूमेंट को हमने ट्यून करना है उससे आप एक नॉन फ्रीक्वेंसी का नोट बीट करवाते हैं और इसके साथ पैरेलल ही एक इंस्ट्रूमेंट जिसको स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जा सकता है उससे भी उसी फ्रीक्वेंसी का एक नोट बीट करवाते हैं यहां पे चूंके फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से फ्रीक्वेंसी कुछ डिफरेंट होगी इसकी वजह से आपको आवाज कभी ऊंची सुनाई देगी कभी मदम सुनाई देगी ठीक है हम क्या करते हैं हम फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको टाइट करना शुरू कर देते हैं या लूज करना शुरू कर देते हैं तब तक जब तक आपको कोई भी बीट सुनाई ना दे और जैसे ही वो पॉइंट अचीव हो जाता है कि जब दोनों इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होने वाली साउंड हमें सिंगल साउंड के तौर पे सुनाई देती है तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो चुका है तो अब हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं बन जाएगा इन ऑर्डर टू ट्यून म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले हमने क्या किया था साउंड द इंस्ट्रूमेंट विद नोन फ्रीक्वेंसी इसके बाद डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट और जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो उसकी वजह से वह कहता है कि बीट्स विल हर्ड फिर हमने क्या किया था टाइटनिंग और लूजनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और यह काम आपने कब तक करना है टिल नो बीट इज हर्ड और जब हमें यह पॉइंट मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट इज़ ट्यून ठीक है स्टूडेंट्स तो ये इसके जो है वो पॉइंट्स बन जाएंगे अब आए क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट में कहता है कि व्हेन टू नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ एफ वन एंड एफ टू आर साउंडेड टूगेदर बीट्स आर फॉर्म्ड इफ एफ वन इज ग्रेटर देन एफ टू देन वट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट ऑप्शन ए एफ वन प्लस एफ टू ऑप्शन बी में कहता है वन ओवर टू एफ वन प्लस एफ टू ऑप्शन सी में कहता है एफ वन माइनस एफ टू और ऑप्शन डी में कहता है वन बाई टू इंटू एफ वन माइनस एफ टू तो स्टूडेंट्स यहां पे उसने बीट्स का जिक्र किया हुआ है और बीट्स के बारे में हमें यह पता होता है कि अगर आपने एक सेकेंड में नंबर ऑफ बीट्स फाइंड करनी है तो हम हमेशा बिगर फ्रीक्वेंसी में से स्मॉलर फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देते हैं तो यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू बिगर फ्रीक्वेंसी इसमें से माइनस कर देंगे स्मॉलर फ्रीक्वेंसी को अब अगर मैं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड को एन से रिप्रेजेंट कर लूं इक्वल्स टू हमारे केस में बिगर फ्रीक्वेंसी कौन सी है एफ वन माइनस स्मॉलर फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कौन सी बन जाएगी एफ टू तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाता है और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन में कहता है एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्टेंट एक्सप्लोजन एन ऑब्जर्वर सेंसेस अ ग्राउंड ट्रिमर एंड देन हियर्स द एक्सप्लोयन एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस एक ऑब्जर्वर है किसी दूर जगह पे एक धमाका होता है जिसकी वजह से जमीन की थरथराहट उसको पहले फील हो जाती है जबकि धमाके की वजह से प्रोड्यूस होने वाली साउंड उसको कुछ देर बाद पहुंचती है अब वो कहता है कि एक्सप्लोयन तो एक ही वक्त में हुआ है तो जमीन से उसकी थरथराहट पहले और हवा में से आवाज बाद में क्यों सुनाई देती है ये जो डिफरेंस ऑफ़ टाइम जनरेट हो रहा है, आपने इसको एक्सप्लेन करना तो स्टूडेंट्स इसके लिए देखें हम इसी बात को जो कि उसने क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया इस तरह से देख लेते हैं कि किसी दूर जगह पे एक एक्सप्लोयन हुआ है जिसकी वजह से साउंड अर्थ जिसको हम सॉलिड मटेरियल कहते हैं उसमें से पास करती हुई ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है और एट द सेम टाइम एयर में से भी साउंड मूव कर रही है लेकिन एयर जो है चूंकि गैशियस मीडियम होता है हमें यह बात पता है कि सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड फास्टर होती है एज कंपेयर टू गैसेस अब दोनों मीडियम्स के अंदर जो साउंड ने मूव करना शुरू किया था वो सेम टाइम में था लेकिन ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड इन डिफरेंट मीडिया सॉलिड में चू के साउंड फास्टर मूव करती है इसलिए वो ऑब्जर्वर तक पहले पहुंच जाएगी गैशियस मीडियम में या एयर में चूके साउंड एज कंपेयर टू सॉलिड स्लो मूव करती है इस वजह से साउंड हमें बाद में सुनाई देगी तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एज फॉर्मूला होता है स्पीड का वी इज इक्वल टू ई ओवर रो अंडर रूट और हमें यह बात पता है कि ई इज नोन एज इलास्टिक मॉडल्स एंड रो इज नोन एज डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर स्टूडेंट्स हम इसकी रेशो की बात करते हैं इलास्टिक मॉडल्स और डेंसिटी की फॉर द केस ऑफ सॉलिड तो ये वैल्यू इस रेशो की गैशियस मीडियम की वैल्यू से ग्रेटर होती है अब इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं हेंस द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस मतलब यह हो गया कि जमीन से साउंड हमें वाइब्रेशन की फॉर्म में पहले सुनाई देगी और एयर में से साउंड जो है वो बाद में सुनाई देगी आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन को जी स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में कहता है एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर एयर जो है वो वॉर्म एयर में ज्यादा तेज क्यों मूव करती है जबकि कोल्ड एयर में वो स्लो मूव क्यों करती है स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एज वी नो दैट वी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय रो स्क्वेर रूट ठीक है अब यहां से हमें यह बात पता है कि रो फॉर वार्मर इज लेस देन रो फॉर कोल्ड एयर क्योंकि जब भी आप एयर को हीट करते हैं या उसका टेम्परेचर किसी तरीके से बढ़ता है तो गैस एक्सपेंड करती है और गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से मैस कम होता है और डेंसिटी का अगर हम रिलेशन डिस्क्राइब करें तो डेंसिटी का रिलेशन किसके इक्वल होता है मैस ओवर वॉल्यूम जिसमें डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैथ क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू को हमने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है अब चूंकि गिवन वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर रहे हैं तो जिसकी वजह से मैथ डिक्रीज करता है और कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी डिक्रीज करना शुरू हो जाती है इस वजह से वॉर्म एयर की डेंसिटी कोल्ड एयर की डेंसिटी से लेस होती है और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हमें यह पता है कि स्पीड का डेंसिटी के स्क्वेयर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है तो चूंकि वार्म एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्पीड जो है वो एयर में साउंड की ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर density of warm air decreases. Hence speed of sound is faster in warm air, As compared with speed of sound in cold air. ठीक है स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है उ शुड अस मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्सर्वर सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है जिसमें आपने वो मैकेनिज्म बताना है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज ना हो जबकि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हो तो इसके लिए आर्टिकल में हमने बात की थी कि रेलेटिव मोशन क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इफ रेलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज जीरो देन द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज अब ये किस तरह से हो सकता है तो उसके लिए हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं वेन Observer is at center of circle and source is moving along circumference of circle. इसकी वजह से होता क्या है द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर रिमेन सेम सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम एक तो यह वजह हो सकती है दूसरे तरीके से हम सेम सिचुएशन इस तरह से अचीव कर सकते हैं वेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड देन इसकी वजह से होता है, क्या है रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स जीरो एंड हेंस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो स्टूडेंट्स यहां तक है हमारा आज का आर्टिकल उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा इजाजत चाहते हैं